नमस्कार, मैं आयुषी आज आपको बताने जा रही हूँ अरविंद केजरीवाल की आईसीयू में पड़ी मोहल्ला क्लिनिक योजना के बारे में। ये योजना ऐसी कि ढिंडोरा पीटते हुए सामने आए केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अच्छे स्वास्थ्य का ना केवल वादा किया था बल्कि मोहल्ला क्लिनिक जैसी अपनी योजनाओं को आधार बनाकर ही दिल्ली में आयुष्मान भारत जैसी योजना को लागू करने से मना कर दिया था। आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई। सत्ता में हजार मोहल्ला क्लिनिक खोलने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले और वहाँ भी ना टेस्टिंग लैब बनी है और ना ही पूरे स्टाफ की नियुक्ति हो सकी। और तो और ताहिरपुर में मोहल्ला क्लिनिक नाले के ऊपर बनाती, अभी जो मरीज इलाज के लिए वहाँ जाएंगे खुद के बीमार होने का खतरा ज्यादा है। मरीजों को कभी पर्ची बनाकर एक से दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में भेजा जाता है या फिर किसी बड़े अस्पताल में जाने के लिए कह दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक केवल स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मामले में ही फेल नहीं हुआ है बल्कि वो एक असुरक्षित जगह भी बनती जा रही है। दर्दमपुरी, खजूरी, बिहारी कॉलोनी, सबोली जैसे इलाकों में तो शराबियों का जमावड़ा लग जाता है शाम के टाइम। अस्पताल को मधुशाला बना डाला है और अरविंद केजरीवाल फर्जी ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि 25 नवंबर 2021 को रोहिणी जिले के कंजावला इलाका में 12 साल की बच्ची के साथ मोहल्ला क्लिनिक में ही छेड़छाड़ की गई। ना ही मोहल्ला क्लिनिक सुरक्षित, ना ही उसमें आने वाले मरीज सुरक्षित। सुविधाएं भी केवल विज्ञापनों में दिखाने भर के लिए ही बची है। लेकिन दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के साथ किए अपने सबसे बड़े धोखे मोहल्ला क्लिनिक को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनके इलाज से दिल्ली निरोगी हो गई है। जनता की जान को खतरे में डालने वाले केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की जो सच्चाई हमने आपको दिखाई है वो आपको सतर्क करती है स्वस्थ और सुरक्षा दोनों ही मुद्दों पर। अभी के लिए नमस्कार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए।